अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कढ़ी पकोड़ा बनाएंगे और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर में आधा किलो दही ली है। अब इसमें 3 चम्मच भर के बेसन डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर को मैंने देगची में डालकर हर स्पेसाइड का नमक डाल दिया था और 6 से 7 कप पानी डाल दिया था और अब हम इसको लो फ्लेम पर 3 घंटे तक पकाएंगे। जब तक कढ़ी तैयार हो रही है तब तक हम पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़ों के लिए यहाँ पे 4 टेबलस्पून भर के बेसन लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, 2 छोटी प्याज काट कर डालेंगे और अगर आपके पास बड़ी प्याज हो तो 1 डाल दें। 2 चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे हस्बे जायका, 1.5 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे पिसी हुई। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको पानी डालकर मिक्स करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। एंड में 1/4 टीस्पून सोडा डाल के मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी है और अब हम इसे पकोड़े बना लेंगे। पकोड़ों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। कढ़ी 3 घंटे तक पककर तैयार हो गई है। अब हम इस पर पकौड़े डाल देंगे और 1-2 मिनट बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ इस पैन में हम कढ़ी के लिए तड़का बनाएंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और 1 प्याज कटी हुई डालेंगे और अब इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। अब इसमें 10 से 12 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अब एक बाउल में कढ़ी को निकाल देंगे। और उसके ऊपर तड़का लगाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।